Welcome back to the 100 cases. In this video, we'll talk about the case of PSAL Wind Solutions versus GE Power Converters Limited. And if you want to check out this case in a descriptive manner, please check out the link in the description and make sure you subscribe to this channel because we come back to you twice every week. तो इस केस में क्या होता है कि जो पेटिशनर होते हैं इस केस में यानी कि PSAL Wind Solutions, उन्होंने जी यानी कि रिस्पोंडेंट से कुछ कन्वर्टर्स खरीदे होते हैं, लेकिन जी ने वहीं पे तीन कन्वर्टर्स की जगह छह कन्वर्टर्स भेज दिए होते हैं सप्लाई में। तो इसके बीच में दोनों कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, लेकिन वो डिस्प्यूट उनके आर्बिट्रेशन क्लॉज के थ्रू रिजॉल्व आउट हो जाता है। लेकिन वहीं कुछ दिनों बाद उन दोनों कंपनीज के बीच में दोबारा से डिस्प्यूट होता है और इसके बाद वो दोनों कंपनीज दोबारा से आर्बिट्रेशन के लिए जाती हैं। तो इस बार जब वो आर्बिट्रेशन के लिए जा रही होती हैं तो उनका जो डिस्प्यूट है वो ज्यूरिच की बेंच पे रिजॉल्व होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बट वहीं जो जीई होती हैं यानी कि रिस्पोंडेंट, वो एक अपील फाइल कर देते हैं बेंच पे कि जो एज पर इंडियन लॉ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती है दो इंडियन पार्टीज के बीच में। और वहीं जो पीई होते हैं वो ये कहते हैं कि आर्बिट्रेशन हो सकती है क्योंकि ऐसा कोई भी इंडियन लॉ नहीं है जो बार करता है फॉर द सेम। अब जो ट्रिब्यूनल होती है वो दोनों पार्टीज की बात सुनती है और वो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग देखती है कि पहले ऐसे काफ़ी सारे केसेस हो चुके हैं जिनमें सीट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉरेन की होती है, तो इसीलिए ट्रिब्यूनल इस अपील को डिनाई कर देती है और सीट ऑफ आर्बिट्रेशन ज्यूरिच में ही रखी जाती है। लेकिन जो आर्बिट्रेशन होती है उसका वेन्यू एक्चुअली में बॉम्बे होता है। अब वो इसलिए बॉम्बे रखते हैं वेन्यू क्योंकि अगर सारी पार्टीज़ अगर और सारी प्रोसीडिंग्स अगर ज्यूरिच में होंगी तो जो खर्चा होगा आर्बिट्रेशन का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि आर्बिट्रेशन का पर्पस भी ख़त्म हो सकता है क्योंकि आर्बिट्रेशन लोग इसीलिए ऑप्ट करते हैं ताकि जल्दी हो जाए और पैसा कम खर्च हो। तो अगर वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन भी ज्यूरिच होता तो काफ़ी सारा पैसा खर्च होता, तो इसलिए उन्होंने वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन बॉम्बे ही रखा। तो जब आर्बिट्रेशन कमेंस होती है फिर आर्बिट्रल अवार्ड आता है। अब जो अवार्ड आता है इन द फेवर ऑफ जीई और पीएसएल को ट्रिब्यूनल बेंच डायरेक्ट करती है कि 2.5 करोड़ रुपीस जीई को दिए जाएं। अब पीएसएल क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो इंडिया में आके मना कर देते कि मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा। फिर जीई जो होती हैं वो एनफोर्समेंट कराने के लिए अपना अवार्ड का को हाईकोर्ट जाती हैं और हाईकोर्ट में जाके वो अपनी अपील फाइल करते पिटीशन फाइल कर देते हैं। अब पीएसएल क्या कहते हैं कि ये जो फॉरेन अवार्ड है ये इंडिया में एनफोर्स नहीं हो सकता है, यानी कि देखिए पहले वही जो बात जी ने बोली थी पीएसएल ने उसको उसका अपोजिशन किया था, अब वही बात पीएसएल बोल रहे हैं। तो अब फिर जी ही इसका अपोजिशन करते हैं और पीएसएल के पास पॉइंट्स ये होते हैं कि जो अवार्ड फॉरेन में मेड किया गया है वो इंडिया में एनफोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपोज करता है इंडियन पॉलिसी को, इंडियन पब्लिक पॉलिसी को। और दूसरी बात भी ये कहते हैं कि इंडियन लॉ जो होता है वो परमिट ही नहीं करता है कि कोई फॉरेन सीट ऑफ अवार्ड रखी जाए जबकि वहाँ पे इंडियन लॉ है, जबकि इंडियन लॉ को यूज़ कर सकते हैं तो इसलिए फॉरेन सीट क्यों ली जाए। तो पीएसएल ने ये दो पॉइंट्स रखे बेंच के सामने। उसके बाद ये मैटर पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मेन इशू क्या क्या बचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पहला मेन इशू इस केस में ये होता है कि वेदर टू इंडियन पार्टीज कैन चूज अ सीट आउटसाइड इंडिया एंड वुड दैट अपोज पब्लिक पॉलिसी। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि इन सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट क्या वो फॉरेन सीट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए नहीं है, जो सेक्शन 9 में रेमेडी दी गई है क्या वो रेमेडी फॉरेन सीट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए नहीं मिल सकती है। तो अब कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, कोर्ट ने इस केस में बहुत मेजर हेल्डिंग दी थी और कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि अगर कोई दो इंडियन पार्टीज हैं और उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट बनता है और उनके बीच में ये एग्रीमेंट बनता है कि अगर उनके बीच में डिस्प्यूट होता है तो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉरेन की होगी, तो ये एक वैलिड पॉइंट है और ऐसा करा जा सकता है। वहीं फिर कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर कोई इंटरिम रिलीफ मिलना है अंडर सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट और वो अवार्ड फॉरेन में दिया गया है
तो वो अवार्ड भी एनफोर्स कराया जा सकता है अनलेस एंड अंटिल एग्रीमेंट, जो उन लोगों ने एग्रीमेंट बनाया है उसके उसमें ये साफ साफ लिख रखा है कि सेक्शन 9 के अंदर कोई भी इंटरिम अवार्ड नहीं दे सकते हैं। और इसके लिए एक शर्त और है कि अगर अंडर सेक्शन 9 को इंटरिम अवार्ड देना है तो जो असेट्स हैं वो इंडिया में बेस्ड होनी चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस। सो लेट्स रिवाइज कि इस केस में क्या हुआ। सबसे पहले ये डिस्प्यूट उठता है इन दो कंपनीज के बीच में, फिर ये दो कंपनीज जाती हैं आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, वहाँ से अवार्ड लेती हैं, लेकिन फिर एक पार्टी उसको आर्बिट्रेशन अवार्ड को एनफोर्स करने से मना कर देती है ऑन द ग्राउंड्स की फॉरेन अवार्ड्स को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है लटकता झटकता। जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को देखता है तो कोर्ट इस केस में ये कहता है कि एक अवार्ड को एनफोर्स किया जा सकता है अगर वो फॉरेन में मिला हो और दोनों पार्टीज इंडियन हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।